हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें जो पेपर है वो है 2017 का सॉल्व पेपर है, फुल्ली सॉल्व पेपर जो हम लोग इसमें देखेंगे। और आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें जो आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो टारगेट आपका है 2019 का, 20 का, तो इसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के नेचर को समझने के लिए, अपने सिलेबस को समझने के लिए, और किस पोर्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ से समझने के लिए। ठीक है, तो आज चलिए हम अपने अपने इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और चलिए तो फ्रेंड्स, मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप, मैं जब इसको आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस लेक्चर को जो आप देख रहे हैं, इसी के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको 2018 के पेपर के लिंक मिल जाएंगे, 2016 के पेपर के लिंक मिल जाएंगे, और इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड जो वीडियोज़ हम डालते हैं उनके भी लिंक आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से क्लिक करके ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली बात यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन से, एग मार्क का संबंध है। तो याद रखिएगा, एग मार्क का जो संबंध है, इसमें गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से, तो इसमें जो आंसर है वो हमारा है गुणवत्ता से। हमेशा एक मार्क के लिए है, गुणवत्ता से ही लिया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें दूसरा क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो पेपर के थ्रू हम अपने पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए होना चाहिए यहाँ पे, और यूएसएसआर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें जो आंसर हमारे पास होना चाहिए सेकेंड का, तो वो है हमारे पास फिलहाल डी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिया गया, लेकिन जर्मनी से क्या लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया, यूएसए से क्या लिया गया? तो अगर हम देखें तो हमारे पास जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है, ठीक है, मूल अधिकार जो हमें मिले हुए हैं उनका निलंबन हो जाता है आपातकाल के दौरान। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, तो संसदीय शासन प्रणाली मिली हमें। ठीक है, और विधि का शासन मतलब कि संसद का होगा इसमें जो लोकसभा, राज्यसभा इस टाइप का, और हमारे पास विधि का शासन मतलब हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका शासन होगा। और एकल नागरिकता सबसे इंपॉर्टेंट यही वाले है, एकल नागरिकता को भी, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें राहुल गांधी पे भी, उस पे उसके बाद भी या उसके पहले देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, ठीक है, दोहरी नागरिकता के लिए। तो फिलहाल फिर अगर हम आए तो यूएसए से बात करें कि यूएसए से हमें क्या मिला है, तो यूएसए से भाई हमको मूल अधिकार मिले हुए हैं, और उसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, उन पे महाभियोग कैसे लगाया जाता है, उसके लिए भी यहाँ से है। और यूएसएसआर में अगर जो हमें मिला यहाँ से कि हमारे पास मौलिक कर्तव्य मिले हैं, उसके अलावा हमारे पास प्रस्तावना में जो हमारे जोड़ा गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो इसमें आदर्श दिया गया है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से भी हम अपने पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। एक वयस्क मानव की में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो भाई इसमें 305, 275, 206 और 175, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 206। फिर हम आते हैं, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में? तो जो हमारे पास इसका आंसर है फ्रेंड्स, ये है डी, यहाँ पे पश्चिम बंगाल। आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। फिर हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, या नागासाकी में, नागासाकी में कोई तारा होगा उसको, तो अगर हम, या तो नागासाकी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास उत्तरी तारा जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ध्रुव तारा, तो इसका आंसर यही है। आप इसको लर्न कर ले, याद कर ले, उत्तर में ही आपको शाम के टाइम दिखाई देना है, या रात में भी आप देखें तो आपको दिखाई देगा। जो पहले के लोग अगर दिशा का निर्धारण जो समुद्र में चले जाते थे, या जो डायरेक्शन के अगर देखते थे, या कुछ लोग खो जाते हैं, तो इसी तारे का क्या करते हैं, अनुसरण करके दिशा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? भाई न्यूयॉर्क में, सिडनी में, या एम्स्टर्डम? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये हमारे पास है भाई सिक्स का, हमें देखें तो यहाँ पे एम्स्टर्डम है। ठीक है, इसका आंसर। अगर हम लोग आगे बढ़े, जो हमारे पास सेवन क्वेश्चन है, तो सेवन क्वेश्चन में है फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें जो हमारे पास ग्रीन पीस में इंटरनेशनल सी है, सी में अगर देखें पूछा जाए, देश आपसे पूछा जाए, तो नीदरलैंड आप लगाइएगा। ठीक है, इसका नीदरलैंड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में, या 1975 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा राइट आंसर है सेवेंथ का, यहाँ पे सी। ठीक है, 1972। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972, 1973, 1981 या 1985? सबसे पहले हम यहाँ पे देखें सेवेंथ में वन्य जीव सुरक्षा है, तो ये 1972 में, इसी के बाद ही स्टार्ट होनी है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर के लिए, तो यहाँ पे एट्थ अगर हम लेंगे तो इसका हमको बी लगाना होगा, जिसमें हमारा आंसर है एट्थ बी। ठीक है, फिर
फिर आगे हम देखते हैं, आगे आते हैं। यही अच्छा क्वेश्चन है जो उसमें आपके एग्जाम में पूछा गया। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशी चरण के दौरान दौरान यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक एंड का ऑक्सीकरण होता है एवं का अपचयन होता है। तो इसमें जल NADP का या NADPS2 का, CO2 का या CO2 और जल का, CO2 NDPH का। देखिए फ्रेंड्स, ये जो शब्द बना है NADP, ये दो चीज बना है, ठीक है। एक तो ADP बना, दूसरा NA बना है, N बना है, ठीक है। तो इनमें जो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है इसमें आप याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है कि ऑक्सीकरण होना है, ऑक्सीडेशन होना है। तो याद रखिएगा, जल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए अपचयन के लिए, तो यहाँ पे NADP का होता है। और इसे कभी अलग करके आपसे पूछेगा, ADP के लिए भी पूछ लेगा, ठीक है। फुल फॉर्म्स इसके काफी थोड़े डिफिकल्ट है, मैं आपको अगर बोल दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे नाइकोटोनामाइड एंड एनामाइड एंड डाई न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जानते रहिए। लेकिन ऑप्शन में अगर कभी आपसे पूछे, फिर आप क्वेश्चन अगर हम ठीक से आप फिर से पढ़ें, देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, अब क्वेश्चन पलट सकता है, गैप करके आपसे ऑक्सीकरण के बजाय यहाँ पे अपचयन दे देता और यहाँ पे अपचयन के बजाय ऑक्सीकरण देता, तो क्वेश्चन हमारा पलट जाता, ऑप्शन भी हमारा फिर हो जाता NADP और बाद में जल हो जाता। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय और लर्न करते समय और उसके ऑप्शन देखते समय आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप रट लें और ऊपर क्वेश्चन पूछो और आपके आंसर गलत हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है वो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टरलाइजेशन। तो इसको फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं, जिसका आंसर है वो है सी, किण्वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आए हुए हैं। फूलों की घाटी की अवस्थित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो है डी, उत्तराखंड। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे, LPG, ठीक है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे पास है, के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? यह एक स्वच्छ ईंधन होती है, बिल्कुल सही है। यह उच्च ऊष्मीय मान है, बिल्कुल। उच्च ऊष्मीय मान का मतलब यह होता है कि अगर उसको जलाया जाए तो उसके जो ऊष्मा कैलोरी मिलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है, वो हाई होती है। यह नीली ज्वाला से जलती है, आप सबके घर में होगा, ऑब्वियस है। तो नहीं होगा तो देखा भी होगा आप लोगों ने कि यहाँ पे नीली ज्वाला के साथ जलती है। और यह मीथेन उत्सर्जन करती है, तो ये बिल्कुल गलत है, मीथेन उत्सर्जन नहीं करती है, ठीक है। मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं, तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो गलत है, असत्य है। फ्रेंड्स, हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित पराबैंगनी कीड़ों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो UVA, UVB या UVC या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों में, तो मैं पहले आपको यहाँ समझा दूँ कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर अगर ओजोन लेयर है और इधर हमारे पास अगर सूर्य है, तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं इनमें यूवी रेज होती हैं, तो UVA होती है, UVB होती है, UVC होती है। तो जो UVC रे होती है उसको हमारा जो ओजोन परत है टोटल पूरी तरह से सोख लेता है, और इसके बाद हमारे पृथ्वी पर जो रेज आती है उसमें B होती है और इसमें A होती है। और अगर हमारे पृथ्वी के संदर्भ में पूछता है कि निम्नलिखित में से सबसे खतरनाक कौन सी होगी, तो उसका आंसर होगा UVA, ठीक है। बहुत सारी बुक आप पढ़ रहे होंगे उसमें UVC दिया होगा, ठीक है, UVC दिया होगा। लेकिन UVC की अगर हम बात करें तो UVC जो है वो हमारे, मतलब UVC दिया होगा, UVC हमारे वातावरण में इंटर ही नहीं कर पाती, ठीक है, इसलिए इसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमारे पूछता कि निम्नलिखित में से UVA, UVB, UVC से सबसे खतरनाक जो इसमें से है, जिसको ओजोन लेयर सोख लेती है, तब हम आंसर लगाते UVC को। लेकिन हम जो आंसर अपने पृथ्वी के संदर्भ में लगाएंगे वो UVA को लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं माउंट, इसमें माउंट कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही, जो अवस्थित है सिसली में, हवाई हवाईयन में या एंडीज में या रॉकीज में, ठीक है। तो याद रखना है इसका एंडीज पर्वत, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई यहाँ चलिए कोटोपैक्सी आप लिख के बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, जरूर लिख रहे हैं आपको, ठीक है, कि एंडीज पर्वत किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, कहाँ पे है, इसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की उत्पत्ति की रचना किसने की थी? अरस्तु, एरिस्टॉटल, चार्ल्स डार्विन, और चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने या रॉबर्ट हुक ने? तो इसका जो आंसर है वो है बी, चार्ल्स डार्विन ने। फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा कि एक जैविक घटक होना चाहिए या अजैविक, जैवमंडल में यहाँ पे अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक जिसका मतलब जीवित नहीं होना चाहिए, ठीक है, अजैविक घटक मतलब कि जीवित होना चाहिए। प्रोटीन बिल्कुल नहीं, मृदा बिल्कुल नहीं, कवक, फास्फोरस, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर वो है कवक। फिर आते हैं तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो याद रखना है इसमें जो हमारे पास है ये है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अब अगर यही ब्रह्मपुत्र जब हमारे बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यमुना हमारे यहाँ है, ठीक है, ये जो हमारी यमुना दूसरी नदी है, लेकिन वहां पे ब्रह्मपुत्र को ही जमुना के नाम से बुलाते हैं, इसको भी आप याद रखें। मकर रेखा है भाई कौन सी? 23 1/2 डिग्री केवल दिया है, 22 1/2 डिग्री नॉर्थ, 22 1/2 है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर ले, यहाँ पे 2 है, 2 डिग्री साउथ एंड 23 डिग्री साउथ। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से देख लो आप, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, इसके जो बीच से लाइन जाती है इसको अगर हम 0 डिग्री बोलते हैं ये होती है विषुवत रेखा, और इसके ऊपर 23.5 अंश, 23.5 अंश जो नॉर्थ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और यहाँ से जाने वाली 23.5 अंश, 23.5 अंश मतलब 23.5 जो होती है इसको डिग्री, और इसको हम बोले साउथ, ठीक है, साउथ, ये हमारे पास होती है मकर रेखा बोलते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या एमपी में? तो याद रखना है कहाँ पे, गुजरात में है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी एवं शाकाहारी? तो आंसर है वो है बी। फिर आते हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में और पेरिस में? देखिए ये अगर हम देखें तो बी इसका आंसर है, लेकिन अभी ये करंट में, करंट जो चल रहा है उसमें ये फेमस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान को लेकर के, इंडिया के उसमें, और इसमें सुनवाई भी हुई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है, और केस है जाधव जी का। तो आप याद रखिएगा, जो इस तरह से न्यूज के थ्रू भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं, अभी देखिएगा न्यूज के थ्रू ही हम लोग देखेंगे तो एक क्वेश्चन और हमें मिलेगा इसमें, कैसे, अगर हम बात करें WWF, ठीक है, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड एंड वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है ये, और वर्ल्ड वॉच फंड, तो इसका जो आंसर है वो है सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फिर आते हैं वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी के तल के नजदीक है, तो पृथ्वी के सबसे पास अगर होना चाहिए, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो यहाँ पे जो आंसर है वो है हमारे पास क्षोभ मंडल, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर के नाम से बोलते हैं, ठीक है, थीके? और इसके बाद समताप मंडल पाई जाती है, जिसमें ही इनके बीच में ही समताप मंडल में ही अधिकतर, अधिक पार्ट ओजोन का है और थोड़ा पार्ट इसमें क्षोभ मंडल में भी अवेलेबल है। फिर आते हैं संविधान सभा में ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी को 1950, या 24 जनवरी 1950 को, या 21 मई 1949, या 13 नवंबर 1949 को? तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय गान ये लिखा हुआ है और ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि 24 जनवरी 1950 में ही और कुछ घटनाएं हुई हैं क्या, तो याद रखना है आपको कि 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान तो लिया ही गया, उसके अलावा यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी लिया गया, उसके अलावा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना भी रहा है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, आगे देख लेना। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26, यहाँ पे 26 नंबर पे, 26 पे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो याद रखने हैं यहाँ पे स्थायी सदस्य होते हैं पांच, पांच होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है कि भाई अस्थायी सदस्य तो बना दिया, अस्थायी सदस्य में कौन कौन से हैं? तो ये होता है हमारे पास, तो यूएसए हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग यूके भी बोलते हैं। अब यहाँ पे यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके, अब करंट में ही देखा जाए तो मैंने अभी आपसे कहा कि इस वाले क्वेश्चन पे पीछे आते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, तो यहाँ पे जो केस अगर देखें तो चाइना, पाकिस्तान ने उठाया, पाकिस्तान के उससे, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो यहाँ पे जो इंडिया,
का जो पार्ट है जम्मू कश्मीर, इसका मामला चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर के क्या किया था, इसमें संयुक्त राष्ट्र परिषद में उठाने की कोशिश की थी, और इसमें जो एक सदस्य है चाइना भी इसमें अस्थायी सदस्य है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या चाइना अस्थायी सदस्य है कि नहीं, तो एक तो स्टेटमेंट पूछ सकता है और भी चाइना के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। इस तरह से आप अपने करंट के थ्रू आप अपने आप को अपडेट रखें। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, आजमेर। देखिए सारे के सारे जो स्टेट हैं वो सॉरी सिटी हैं वो सारे के सारे हम देखें तो राजस्थान के हैं, लेकिन इसमें जो आंसर है वो हमारे पास डी है, आजमेर। फिर आते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन मापने के लिए संबंधित है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे बी। ठीक है, देखिए कुछ आंसर जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली फैक्ट होते हैं, इसको ही आपको क्या करने रट लेने हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अक्सर पेपर में देखने को मिल जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो यहाँ पे सबको पता है कि पृथ्वी का ही जो एनर्जी का सोर्स है वो सूर्य का प्रकाश ही है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का ही ये भी कहा जाए तो ये सूर्य का प्रकाश ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो हमारे इस पे थैंक यू फॉर वॉचिंग के लिए भाई, और आप मेरे चैनल को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और इसमें जो वीडियो हैं आपको कैसे लगे उसको लाइक जरूर करिए, ताकि अगर हम यहाँ से वीडियो आपको भेजें तो आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर इसका जो पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो ये व्हाट्सअप ग्रुप है मेरा, व्हाट्सअप ग्रुप, इसमें है ग्रुप में 9984869003 पे आप क्या करना है, एड मी, ठीक है, ADD एड मी, ME एड मी, और यूपी टेट लिख करके आप भेज दें, मैं आपको ऐड कर लूंगा, और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।